गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज जो मेरे चैनल को जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मैं अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो गेंदे के जो का प्लांट है उसमें कितने सारे कलियाँ आई हैं और फूल कितने खिले हैं, दिखाती हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी 4 फूल खिल चुके हैं और ये कली, देखो ये कली आ रही है, इधर सब में छोटी 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 कलियां आ रही हैं। और इस बालकनी में सारे फ्लावर्स अच्छे से खिलते हैं, इसका रीजन है कि काफी धूप पड़ती है सुबह के टाइम पे ना यहाँ पर, इस वजह से। देखो इसमें भी काफी फ्लावर आए हैं सब में, मतलब फ्लावर अच्छे आ रहे हैं सब में। और इसमें भी हम लेके आए थे ये रोज का प्लांट, उसमें भी दो कलियां तो फिर से लग गई है वापस से, 4 फूल खिले हुए थे उसकी कटने के बाद फिर से 2 कलियां वापस से आ चुकी हैं इसमें। और मेरा घर सारा पूरे अच्छे से क्लीन हो चुका है, भाई आके चली गई है। मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी क्योंकि सैटरडे संडे के बाद दिन मंडे का ऐसा होता है, हैक्टिक होता है काफी, पूरा घर फैल चुका होता है क्योंकि सैटरडे संडे ठीक कर नहीं पाते हैं घर। ये बस मेरे कपड़े हैं जो कि फोल्ड करने के बचे हुए हैं, फिर सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये भी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, देखिए अभी ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको खांसी काफी है ना, तो उस वजह से बोल रहे हैं कि ऑफिस जाके क्या करूंगा अभी, क्योंकि खांसते ही रहेंगे वहां पर सबके सामने तो अच्छा नहीं लगता ना फिर, तो इसलिए ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अभी घर पर ही हैं। और मेरे खाना बनाने की तैयारी हो रही है, इसमें मैंने चने की दाल चढ़ाई है, मैं ये परवल के साथ चने की दाल बनाने वाली हूँ। और राइस भी मैंने भिगा दिया है, इसको और धोऊंगी 1-2 बार फिर मैं इसको चढ़ा दूंगी, बस यही बनेगा आज लंच में मेरे। ये देखिए गमले सारे बना लिए हमने, इसमें मिट्टी कम हो गई है, इसके लिए और थोड़ी सी मिट्टी बनानी पड़ेगी, जब मिट्टी बना रहे थे तो इतने इसमें इसके लिए कम पड़ गई थी, तो इसके लिए और एक आध दिन बना के इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था, मूवी का टाइम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों को जल्दी जल्दी करके इतना सेट करना। और कल की हमारी शॉपिंग में मेन तो सिर्फ इनका यही था, ब्लेजर, मतलब ब्लेजर तो नहीं लिया, पूरा कोट का सेट ही ले लिया, पैंट और कोट का सेट, तो वही में हमारा मेन एक शॉपिंग थी कल की। और फिर तो ऐसी छोटी मोटी फ्रूट्स और फ्रूट्स की शॉपिंग हुई, और मुझे आटा पिसाने देना था, बस यही सब काम हुए। और मेरे को ड्राई क्लीन से जो अपनी साड़ियाँ लेके आनी थी वो सब, ये सब काम ही बस, ये सब काम हुए बस। और मेन काम जो ये था इनका कोट लेना था, तो वो लेके आ गए हम लोग, उसका पैंट भी मतलब नीचे से लेंथ तो ठीक करवाना था, अल्टर कराना था, वो भी करवा लिया है, बस जब ये पहनेंगे एक बार ट्राई करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। और बस एक आध दिन और इनके लिए, इनका गोवा का ऑफिस की तरफ से गोवा का ट्रिप है 3 दिन का, 16, 17, 18 है शायद डेट, ऐसा कुछ है अभी दिसंबर में, तो ये गोवा जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक नेक्स्ट अब इसके बाद वाले वीकेंड में उसकी शॉपिंग के लिए निकलेंगे हम लोग। तो ये है बस अभी का, अभी तक तो बस इतना ही है प्लान, और वीकेंड का प्लान और क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लॉग। इधर पापा और इनके बात चल रही है, अभी इनके और पापा जी की बहुत बातें मतलब हो रही हैं, क्योंकि ये मतलब जो हमने जो खेत खरीदा था ना उसमें जो अभी धान की फसल आई है, तो उसके लिए सब बातें चल रही हैं, मतलब धान की फसल मतलब बिक चुकी है, धान बिक चुका है, पैसा आ चुका है, तो उसका ट्रांसफर वांसफर का है कुछ, सब बातें हो रही है अभी। मेरा ये वाला साड़ी मैंने दिया था ड्राई क्लीन के लिए, ये किसका ब्लाउज, और ये क्लीन वाला, आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसको दिवाली में पहना था, और ये मैंने पहना था तीज में और दिवाली में, दोनों टाइम पे मैंने पहना था इसको, तो मतलब इसको ऐसे ही रखो ना तो ख़राब हो जाती साड़ियाँ, इसलिए ड्राई क्लीन करा के रख देना चाहिए, तो मैंने इसको ड्राई क्लीन करा लिया और रख दिया है। अब पता नहीं अभी कब यूज़ होंगी, तो शायद किसी की शादी में यूज़ हो, वो तो शादी अभी पता नहीं किसी की है भी नहीं आसपास, तो
फ्रेंड्स मैं ये सब थोड़ा बहुत सामान लेके आई। ये जो है ये चाकू मतलब शार्प करने का है, यहाँ से शार्प करना है और यहाँ से घिसना है, तो ये इसकी बहुत जरूरत थी क्योंकि मेरे पास इतने सारे चाकू हैं लेकिन ना कोई भी ढंग से काम नहीं करते। तो मैं एक ये ले आई और एक चाकू भी लाई थी खरीद के, ताकि जैसे कि अगर धार नहीं कर पाए तो मतलब चाकू की तो जरूरत पड़ती ही है घर में। और ये क्लिप्स आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्लिप किस काम आता है, अगर जो भी कुछ पैकेट आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद उसको बंद करना है तो उसके काम आता है। तो मैंने इसमें से 3 यूज कर लिए हैं, और ये एक दाल घोटने का, जो दाल घोटनी बोलते हैं ना, वो मेरे पास लकड़ी का था जो कि ना यहाँ से हमेशा निकल जाया करता था, निकल के अलग हो जाता था, दाल को घोटते घोटते ही वो दाल में ही अलग से निकल जाता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी तो मैंने उसको फेंक दिया। तो फिर मैंने ये स्टील का ले आया है, अच्छा है, काफी अच्छा है, इसको यूज किया मैंने, और ये अभी तक मैंने खोला नहीं है इसको। ये लकड़ी का चम्मच है, क्योंकि जैसे कि मैं मिट्टी के बर्तन में भी कभी कभी खाना बनाती हूँ ना, तो उसके लिए लकड़ी का चम्मच यूज में आता है। तो एक ही था मेरे पास जो कि बेकार सा टूटने टूटने की हालत में हो गया था, तो एक ये मैंने ले लिया। और एक चावल का मेरे पास बहुत पहले था, अच्छा बड़ा था वो, पता नहीं वो कहाँ चला गया, तो शिफ्टिंग में कहीं इधर उधर हो गया लगता है। तो अभी तक मैं ऐसे ही काम चला रही थी तो मुझे दिखा तो ये छोटा सा सुंदर सा, तो मैंने ये ले लिया, अच्छा लग रहा था तो ये ले लिया। तो इसको तो कल यूज किया था मैंने, तो ये इतना सामान और एक्स्ट्रा मैंने लिया था। और ये डस्टबिन छोटा सा किचन में रखने के लिए लिया, क्योंकि इन लोग हमारे घर में जो इशित है और इशित के पापा हैं उनकी जैसा आलसी कोई नहीं होगा, उन लोग चावल मतलब जो थोड़ा बहुत खाने पीने का भी जो प्लेट में जो भी बचता है ना खाना, उसको भी ना डस्टबिन में नहीं डालते हैं, बाहर रखा हुआ है करके। तो मैंने एक छोटा डस्टबिन यहाँ रख दिया ताकि वो इसमें डाल सके उसको। फ्रेंड्स मेरा कल मेरा यही सब काम था छोटा मोटा जो मैंने किया कंप्लीट अपना, और बस आज डी मार्ट से भी सामान आया मेरा काफी कुछ घर का सामान, मतलब गेहूं मंगाया मैंने 10 किलो, और नमक है, और क्या बोल, और थोड़ा सा बाजरा मंगाया, थोड़ा सा जौ मंगाया, ये सब थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सामान सब मंगाया है। बस इसको क्या दिखाना, मतलब लोगों को लगता है कि ये क्या सब छोटी छोटी चीजें दिखाना, लोगों को पसंद नहीं आता ना, इसलिए मैं ये सब नहीं दिखाती अपने ब्लॉग्स में। और कई लोग तो डेली ब्लॉग्स में क्या करते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं, वो दिखाते हैं, तो वो सब भी मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं दिखाती हूँ ये सब। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ना डुंजो से सामान मंगाया है, कुछ कुछ वेजिटेबल्स मंगाए हैं, काफी फ्रेश मिलता है इसमें। ये देखिए पुदीना, मेथी, अदरक, प्याज भाजी, नींबू, पत्ता गोभी, ये मटकी है मिसल के लिए, और देसी टमाटर। ये डुंजो में ही मुझे देसी टमाटर मिलता है, नहीं तो मुझे यहाँ पे कहीं शॉप में देसी टमाटर नहीं मिलता। और ये छोटे आलू और प्याज, हाँ सैंपल के लिए मंगाए हैं इसको, और ये शिमला मिर्च, बनाना, और लौकी। ये लौकी है ऑर्गेनिक है, यहाँ ना कड़ी पत्ता भी ऑर्गेनिक बोल के बेचते हैं लोग तो ये सब सामान अभी मैंने मंगाया है डुंजो से इतना। और ये तो इसको सर्दी के अपना चाय पीने के लिए मंगाए हैं इसको, सर्दी में पीना चाहिए करके, पुदीना को अभी पता नहीं इसका चाय कैसे बनता है, इसको तो जब मुझे होते जब जाता है तो जाता हूँ इसको। हाँ, ये तो लग जाता है गमले में, लग जाएगा ना। हाँ इतने को जगा देता हूँ और बढ़ता है ना, शुरू से ज्यादा जलना है पानी की जरूरत। तो इतना सामान हमने मंगाया है, जड़ अभी भी गीला है। हाँ ये हमारा ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ हिबिस्कस का, गुड़हल का पौधा ना पूरा खराब हो गया, तो उसी की जगह पे अभी ये पुदीने को लगा रहे हैं उसी गमले में, देखते हैं ये होता है कि नहीं पुदीना। वैसे तो हो जाता है गमलों में, बहुत अच्छे से फैल जाता है, वैसे कोई यूज नहीं है हमारे घर में पुदीने का। हाँ कोई यूज नहीं है पुदीने का, अच्छा दिखता भी है शो के लिए
खुशबू भी आती रहेगी, बोलो है ना, पुदीने की शरबत। आप लोगों ने पीस पीस के ना चटाऊंगी मैं उसको। तू ना पुदीने का चटनी तू तो खाती है ना, ना? नहीं ना, भरो मत यार। अरे तो इसका नहीं ना, पुदीने को ना ऐसे बॉटल में भी लगा दो ना, पानी वाले बॉटल में, उसमें भी लग जाता है। तो ये मिट्टी में लगा रहे हैं क्योंकि मिट्टी में ज्यादा अच्छे से होता है। पानी ज्यादा गीला, वो मिट्टी ज्यादा गीला तो नहीं है ना? कुछ नहीं होता, ये तो पानी में ही होता है। ये अच्छा है, मार्केट से मंगा लो पुदीना और लगा दो। ऐसी सब चीज लग जाता, तो लौकी को लगाते तो लौकी लग जाता, मस्त तो मजा आता। कद्दू लगा दे, कद्दू लग जा, कद्दू का पौधा तो लग जाता है बीच से उसके, मैं तो लगाई थी। किसका? कद्दू का बीच से लगता है ना? हाँ, बीच से तो सारे लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ना मेरा एकदम मस्त अलग कलर का येलो कलर का मनी प्लांट है। तो ये जब बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको मैं घर के अंदर रखने वाली हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा है ये येलो कलर का। नेबुलाइजर भी मंगाए हैं अभी, ऑनलाइन आए हैं अभी, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा खांसी है, कफ है, कि मतलब हमेशा ना ठंड के टाइम पे इनको ना, ठंड जैसे ही स्टार्ट होती ना, तो एक बार तो जरूर हो ही जाता है साल में एक बार, इतने ऐसे जोरदार वाली कफ वाली खांसी। तो उसके लिए ठीक है, नेबुलाइजर होना चाहिए वैसे भी घर में, तो ये मंगा लिया हमने। हमारे लिए पाइन एप्पल कट रहा है अभी। उल्टा काट रहे हो? नहीं, सीधा है ना। ये वाला पाइन एप्पल ना एकदम मीठा हो गया होगा एकदम, देखो इसका कलर ऑरेंज और येलो हो चुका है, एकदम स्वीट होगा बहुत टेस्ट में। अभी सर्दी की वजह से ना फ्रिज में भी रखा है थोड़ा सा, वो वाला नहीं खा पा रहे हैं, तो इसको काट रहे हैं बाहर जो रखा है उसको। ये देखिए, ये अपना सूट पहन के रेडी हो गए हैं जाने के लिए, नहीं ट्राई किए हैं कैसे दिख रहे हैं बताओ जरा। दिखाओ सूट, दिखाओ, दिखाओ ना लाइट में, इसको खोलो ना, तो सीधा खड़ो, सीधा मेरे साइड, अच्छे दिख रहे हैं, सूट भी अच्छा लग रहा है। बस ये है, ये इसके ये शर्ट की जगह ये व्हाइट पहनेंगे, ये पीच कलर का शर्ट है, तो उसके जगह पे वहां पे मीटिंग में व्हाइट पहनने वाले हैं। उसका कपड़ा भी अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल। अरे इसमें जेब नहीं बनाया है क्या, लोग ऐसी डिजाइन बस बना दिए। तो जेब कहाँ रहता है वहां पे? अच्छे लग रहे हो, अच्छे से रेडी होना उस दिन, ठीक है। और ये दो पैंट है इनके पास जो कि एक बार भी यूज नहीं हुआ है, इसको ये गोवा में पहनेंगे, पहनने वाले हैं। गोवा जाने के लिए लिए थे? हाँ, गोवा जाने के लिए थे। आ गया था। हाँ, गोवा जाने के लिए लिए थे, सोचे थे कि गोवा जाएंगे करके, तो ले लिए थे, ऑफर में मिल रहा था, लेकिन कोरोना आ गया तो फिर नहीं जा पाए, तो ये रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल तो इनको आ रहा है अभी ये पैंट, तो ये पहनेंगे। इसके लिए ऊपर टी शर्ट लेना है, दो टी शर्ट होगा तो हो जाएगा फिर इनका, क्योंकि है तो सिर्फ दो ही दिन का, एक दिन जाएंगे और एक दिन एक दिन जाएंगे, एक दिन रहेंगे और तीसरे दिन वापस आ जाएंगे, तो दो दिन का ही है, दो दिन ही घूमेंगे इन लोग बस। देखिए फ्रेंड्स, ये इनके मुंबई जाने की तैयारी है, ये अपने सारे टीममेट्स के लिए लेके जा रहे हैं लड्डू और कुकीज और ये कपड़े, और कपड़े और रखे हुए हैं अभी अंदर जो कि निकाल के सूटकेस में डालना है, और ये कर रहे हैं काम। और आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि कल जाना है इनको मुंबई, और तो क्लाइंट के साथ क्या क्या बातें होनी है, सब डिस्कशन ज़्यादा चल रहा है इन लोगों का अभी। और इसमें है, ये है ओट्स कुकीज, ये है चॉको चिप्स कुकीज, ये है कोकोनट कुकीज, और ये है बेसन का लड्डू। ये सब सामान लेके जा रहे हैं अपने टीम वालों के लिए,
ये जब इसके पहले गए थे तो कुछ लेके नहीं गए थे, और बोल रहे थे कि सब आते हैं, काफी कुछ सामान लेके आते हैं अपने साथ खाने पीने के लिए, अपने टीम वालों के लिए। तो मैंने बोला अच्छा चलो इतना सारा सब ले जाओ, तो ठीक है। मिक्स फ्रेंड्स अभी सब अब अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं। इशे ट्यूशन चला गया है, ये अपना काम कर रहे हैं, और थोड़ा कैश निकालने के लिए गए हैं अभी, मतलब काफ़ी बिजी हैं सब। और मैं भी अब जाऊंगी खाना बनाने के लिए, तो मैं अभी अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।